टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 3 मैचों की वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में 200 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 351 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 35.3 ओवर में 151 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के लिए गुणाकेश मोती ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। इसके अलावा एलिक अतनाजे ने 32 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में रन के हिसाब से टीम इंडिया ने दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। टीम इंडिया साल 2007 से वेस्टइंडीज से कोई वनडे सीरीज नहीं हारी है। टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 13 वनडे सीरीज जीती गई है। भारत की ओर से 4 बल्लेबाजों ईशान किशन ने बनाए 77 रन 64 गेंदों पर, शुभमन गिल ने 85 रन 92 गेंदों पर, संजू सैमसन ने 51 रन बनाए 41 गेंदों पर और हार्दिक पांड्या ने 70 रन बनाए 52 गेंदों पर। रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस मैच में भी आराम दिया गया है।